दुनिया भर के जंगलों में मौजूद कुछ सबसे छोटे, इतने छोटे कि देख पाना भी मुश्किल हो, उन्हें दिखाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे स्मॉलेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब जिस जीव को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो देखकर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये या तो कोई हिरण का बच्चा है या फिर कोई चूहे की अनोखी प्रजाति है। ये जीव दरअसल माउस डियर प्रजाति की एक अनोखी डियर ब्रीड है, जो कि अधिकतम 12 इंच तक ग्रो कर सकती है। माउस डियर के अलावा शेवरोटैन नाम से जाने जाने वाली ये जीव दुनिया के सबसे छोटे हूव्ड मैमल यानी कि सबसे छोटे खुर वाले स्तनधारी जीव है। इन छोटे छोटे हिरणों की हरकतें इतनी मासूमियत से भरी होती हैं कि इन्हें देखते ही हर किसी का दिल आ जाता है। दुख की बात यह है कि ये जीव अपनी कम स्पीड और अन्य डिफेंसिव ऑर्गन की कमी के चलते ये तस्कर और शिकारियों की फेवरेट हैं, और यही वो वजह है कि ये खूबसूरत और प्यारा सा जीव विलुप्त होने की कगार पर आ चुका है। दोस्तों, घोड़े वैसे तो अपने बड़े आकार और बेहतरीन स्पीड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब जरा थंबेलिना नाम के इस नन्हे मिनीचर हॉर्स से मिलिए, जो कि वयस्क होने के बाद भी महज 17 इंच का था। अब 17 इंच अगर आपको साधारण लग रहा है तो बता दें कि आमतौर पर घोड़ों के नवजात बच्चे भी 27 से 29 इंच के होते हैं। तो जरा सोचिए, अगर कोई जीव वयस्क होने के बाद भी अपनी प्रजाति के नवजात बच्चे से भी छोटा हो तो वो ऐसा दिखता है। दुनिया के सबसे छोटे घोड़े का खिताब रखने वाला थंबेलिना अमेरिका के मिसौरी में रहता था, लेकिन 2018 में 17 साल की उम्र में दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। वहीं अगर जिंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की बात करें तो ये खिताब अभी पोलैंड के बॉम्बेल नाम के इस प्यारे घोड़े के नाम है, जो कि 22 इंच साइज और 8 वर्ष का है। हम इंसान बंदरों से निकलकर विकसित हुए हैं, और शायद यही वो वजह है कि हमें आज भी बंदरों की शरारत भरी हरकतें कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं। खैर, ये तो हुई साधारण बंदरों की बात, लेकिन क्या हो अगर आपको मैं ऐसे बंदर से मिलवाऊं जो अधिकतम आपकी उंगलियों पर बैठने जितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए मिल लेते हैं पिग्मी मर्मोसेट नाम के एक ऐसे बंदर से, जो दुनिया की सबसे छोटी मंकी ब्रीड है। महज 120 ग्राम और 5.5 इंच के अधिकतम साइज वाले ये बंदर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आप अपनी उंगलियों पर खिला सकते हैं, अपनी मुट्ठी में छिपा सकते हैं। ये इतने क्यूट होते हैं कि इन्हें अगर घर ले आए तो इनसे नजर हटा पाना मुश्किल हो जाए। बाकी इससे अच्छी फुटेज तो आपको दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलेगी, जिसमें एक महिला की उंगलियों के बीच ये तीन मर्मोसेट्स ऐसे लिपट गए जैसे माँ की आंचल में लिपटे हों। आज तक आपने छोटे बड़े कई तरह के चूहे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चूहे से मिलवाएंगे जिसके आगे छोटा शब्द भी छोटा पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे रोडेंट बलूचिस्तान पिग्मी जरबुआ की, जिनमें एक वयस्क जरबुआ का आकार अधिकतम 1.5 इंच तक पहुँचता है। मुख्यतः साउथ अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले ये जीव बस 3.8 ग्राम तक वजनी होते हैं, यानी इन्हें आप एक फूंक के साथ उड़ा सकते हैं और खुद को पुराने समय के राक्षसों की तरह महाशक्तिशाली समझ सकते हैं। ऑक्टोपस का नाम सुनकर हमारे जहन में विशालकाय टेंटेकल्स वाले कुछ इस तरह के जीव की शक्ल बनने लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक ऑक्टोपस कुछ इस तरह का विशाल ऑक्टोपस नहीं, बल्कि महज 4 इंच का ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस है। अगर कभी बीच पर आपको ब्लू कलर का ऐसा चमकीला सा ऑक्टोपस दिखाई दे तो इसे छोटा समझकर हाथ लगाने की गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि इस ऑक्टोपस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक टेट्रोडोटॉक्सिन होता है, जो कि साइनाइड से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस द्वारा इजेक्ट किया गया यह वेनम 26 लोगों को मिनटों के अंदर खत्म कर सकता है। वहीं दुनिया के सबसे छोटे ऑक्टोपस की अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑक्टोपस वुल्फी के नाम दर्ज है, जो कि आकार में 1 इंच और वजन में 1 ग्राम से भी हल्का है। हमिंगबर्ड को दुनिया के सबसे छोटे पक्षी के रूप में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके सबसे छोटी प्रजाति बी हमिंगबर्ड है। महज 5 से 6 सेमी आकार वाले ये पक्षी महज 1.5 से 2 ग्राम के होते हैं। छोटे साइज या वजन कम होने के चलते ये जीव अगर आपको कमजोर लग रहा है तो बता दें कि बी हमिंगबर्ड 1 सेकंड में लगभग 80 बार अपने पंख को फड़फड़ा सकते हैं। बिना ब्रेक लगाए लगातार 20 घंटों तक हवा में उड़ सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आगे पीछे दाएं बाएं हर दिशा में उड़ सकते हैं, और यही कुछ कारण है जो मुख्यतः क्यूबा में पाए जाने वाले बी हमिंगबर्ड को मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं। कोमोडो या मोनिटर लिजर्ड जैसे विशाल छिपकलियों के बारे में सोचकर खौफ तो हर कोई खाता है,
लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे ज़ेरागोट ड्वार्फ गेको नाम की ये छिपकली, जिसे देखकर कोई भी गुदगुदाने लगेगा। हाथ में रखी लॉन्ग की तरह दिखने वाली ये छिपकली अधिकतम 1.8 सेमी यानी कि लगभग 1 इंच से भी कम लंबाई तक ग्रो कर सकती है। डोमिनियन रिपब्लिक के आसपास पाई जाने वाली ये छिपकली इतनी हल्की होती है कि इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 0.13 ग्राम होता है, यानी कि ये छिपकली आपकी उंगली के नाखून से भी 5 गुना हल्की होती है। वैसे बता दें कि दुनिया की सबसे छोटी छिपकली का खिताब भी इसी छिपकली के नाम है। सिक्के पर बैठे मेंढक को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक बेबी फ्रॉग है, तो जनाब आपको बता दें कि ये वयस्क मेंढक है जो पीडोफ्राइन अमोंसिस नाम की एक स्पीसी से बिलोंग करता है। आकार की बात करें तो ये मेंढक वयस्क होने के बाद 0.30 इंच के होते हैं। साल 2012 में पपुआ न्यू गिनी में पहली बार खोजे जाने के बाद इनको ज्यादा दिखा ही नहीं गया, जिसके पीछे एक वजह तो है इनका दिखाई तक न देने वाला छोटा साइज, और दूसरी ये कि अगर इन्हें ढूंढ भी लिया जाए तो बेबी फ्रॉग्स और पेडोफ्राइन अमोंसिस को डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है। जहां आमतौर पर शार्क्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक खतरनाक समुद्री जीव की शक्ल बनने लगती है, लेकिन दुनिया के सबसे छोटे शार्क की अगर बात की जाए तो ये ड्वार्फ लैंटर्न शार्क नाम से जानी जाती है, जो कि अधिकतम 8 इंच तक ग्रो कर सकती है। तो आज से शार्क का नाम सुनकर खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर सभी तरह के चमगादड़ देखने में डरावने होते हैं, लेकिन किटीज हॉग नोज्ड बैट या बम्बल बी बैट नाम से मशहूर इस छोटे से चमगादड़ पर आपके क्या विचार है? इस 1.5 इंच आकार और 2 ग्राम वजन के इस चमगादड़ पर आपके क्या हर शख्स के विचार प्यार भरे ही होंगे। पत्तियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही इस बिल्ली को देख आप इसे बच्चा समझने की भूल करें। उससे पहले बता दें कि ये कोई बिल्ली का बच्चा नहीं, बल्कि रस्टी स्पॉटेड कैट प्रजाति की एक वयस्क बिल्ली है। ये बिल्लियां 14 से 19 इंच तक लंबी हो सकती हैं, जिसमें इनके शरीर की आधे साइज वाली पूंछ भी सम्मिलित होती है। ये बिल्लियां मुख्यतः भारत, नेपाल और श्रीलंका में ही पाई जाती हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई भारत में रहती है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देती, तो बता दें कि रस्टी स्पॉटेड कैट्स एक वाइल्ड कैट होती है जो कि आमतौर पर शहरी इलाकों से दूर जंगलों में ही रहना पसंद करती है। एक नजर इस प्यारी सी गिलहरी पर भी डाल लीजिए, जिससे आपने इस तरह की प्यारी हरकतों के चलते दुनिया भर में पैट के रूप में पसंद किया जाता है। लगभग 6 इंच के अधिकतम आकार वाली ये गिलहरी नॉर्दर्न फ्लाइंग स्क्विरल की होती है और इस तरह से ग्लाइड करते वक्त उड़ने के लिए भी जानी जाती है। इस मादा पांडा को कराते हुए देख अगर आप भी सोच रहे हैं कि इसे चोट लगी है, तो आप गलत हैं। ये पांडा दरअसल अपने बच्चों को जन्म देने का प्रयास कर रही है। अब जमीन पर गिरे बच्चे को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई चूहा या पांडा का कुपोषित बच्चा होगा, तो माफ कीजिएगा, एक बार फिर से आप गलत हैं। ये बच्चा पांडा का ही है और एकदम स्वस्थ है। अब आपकी हैरानी एकदम लाजमी है, क्योंकि पांडा एक ऐसा जीव है जो अपने से 900 गुना तक छोटे बच्चों को जन्म देता है, यानी माँ के आकार की तुलना में देखा जाए तो पांडा के बच्चे दुनिया के सबसे छोटे बच्चे होते हैं। अगर पांडा के बच्चे देख हैरानी हो रही है, तो जरा कंगारू के बच्चे को भी देख लो, जो कि जन्म के समय महज 2.5 सेंटीमीटर यानी करीब 1 इंच का होता है। दरअसल कंगारू के बच्चे जन्म के समय पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते, ये असल में एक भ्रूण की तरह अर्ध विकसित होते हैं, जिसके चलते इनका बचा हुआ शारीरिक विकास माँ के पाउच में ही होता है। भ्रूण पैदा होते ही अपनी माँ के पाउच में चले जाता है और वहाँ मौजूद 4 टिट्स में से एक पर कई महीनों के लिए चिपक जाते हैं। कुछ महीनों तक सिर्फ माँ का दूध पीने के बाद ये पाउच से बाहर निकलने लायक तो हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से बाहर घूमने लायक बनने में इन्हें 8 से 18 महीनों तक का समय लग जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्यूट और कुछ खूंखार नन्हे मुन्ने जीव। अगर आप ऐसे और भी जीवों से रूबरू होना चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। हम जल्द से जल्द अगला पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।